दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुभमन गिल ने वनडे को T20 बना के रख दिया, चौके व छक्के जड़े, लेकिन इन शॉट्स को देखकर मैदान में मौजूद सचिन तेंदुलकर की सुपुत्री सारा तेंदुलकर भी झूम उठी। खास तौर पर गिल की बल्लेबाजी पर सारा के रिएक्शन कुछ ऐसे थे कि देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार दोस्तों गिल की बल्लेबाजी और सारा के रिएक्शन का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में अपनी चौथी जीत को तलाश रही भारतीय क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश की टीम के सामने अपनी रणनीतियां दिखाती नजर आई। रोहित शर्मा टॉस भले ही हार गए, लेकिन हार को जीत में कैसे तब्दील करना है अपने लिए रोहित अच्छे से जानते हैं, फिर वो चाहे भले ही टॉस का फैसला क्यों ना हो। दोस्तों गेंदबाजी में सिलेक्शन इतना ज्यादा उम्दा था ना रोहित शर्मा का कि पावर प्ले में भले ही विकेट्स ना मिले हो, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स निकाले हमारे सभी गेंदबाजों ने और सबसे बेहतरीन व किफायती गेंदबाजी करी रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने दोस्तों अपनी टीम के लिए पूरे दो विकेट्स निकाले। इवन दोस्तों सिराज और बुमराह भी दो दो विकेट्स ले गए वक्त रहते, जिसके चलते हम पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम को 256 पर रोकने में कामयाब हो गए थे और 257 का मिला टारगेट। दोस्तों टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, ऊपर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा की शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ थी कि ऐसी शुरुआत तो कभी कभी हमें T20 मैचेस में भी देखने को नहीं मिलती। जरा सोचिए दोस्तों 10 ओवर हुए नहीं थे कि भारतीय क्रिकेट टीम 80 के पार पहुंच गई थी, और इस सब के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों रोहित शर्मा खुद, जिन्होंने 38 गेंदों में 7 चौके 1 छक्का लगाकर 42 रन बनाए, लेकिन गिल तो उनसे एक कदम आगे निकले। और दोस्तों इस बीच गिल और सारा का एक मोमेंट भी कैप्चर हो गया। दरअसल दोस्तों रोहित को देखकर गिल में भी कॉन्फिडेंस आ गया था और वो भी बैक टू बैक चौके व छक्के जड़ रहे थे, लेकिन इस बीच एक ऐसा ओवर भी आया जब शुभमन गिल ने एक नहीं बल्कि दो दो बैक टू बैक छक्के जड़ डाले। हम बात कर रहे हैं पारी के 10वें ओवर की। नसून अहमद नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और गिल जो कि उनको फेस कर रहे थे उन्होंने छक्के मारने का प्लान बना लिया। पहला तो दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर लगा जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खतरनाक शॉट खेला और इस शॉट गेंद को सीधा पहुंचा दिया दूसरे स्टैंड में, और दोस्तों इत्तेफाकन तौर पर यह छक्का वहीं गया जिस दिशा में सारा तेंदुलकर बैठी हुई थी। शुभमन गिल के शॉट को देखकर दोस्तों सारा पूरी झूम उठी और तालियां बजाकर उनके लिए शॉट का अभिनंदन करने लगी। लेकिन आपको बता दें कि इसी ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने फिर वही किया, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ से उन्होंने एक खतरनाक सिक्स लगाया और इस बार भी सारा तेंदुलकर बहुत ज्यादा खुश होती नजर आई। इनफैक्ट दोस्तों शुभमन गिल भी उनकी तरफ देख रहे थे कई दफा और शायद वहीं शॉट मारने का प्रयास भी कर रहे होंगे। खैर दोस्तों शुभमन गिल ने 36 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के जोड़कर पूरे 40 रन बना दिए थे, और शुभमन गिल की पारी तो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी। आगे चलकर उनकी हाफ सेंचुरी भी हो गई जिस पर सारा तेंदुलकर और ज्यादा खुश हो रही थी, और उनको खुश होना तो बनता ही है क्योंकि शुभमन गिल जिनके लिए वे आई थी वो तो अच्छी बैटिंग कर ही रहे थे। खैर दोस्तों आप सभी शुभमन गिल और सारा के लिए क्या कहेंगे नीचे बताइएगा, साथ ही गिल की बैटिंग और उनके शॉट्स को 10 में से कितने नंबर देंगे यह भी, साथ ही ऐसी ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।